हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक इट रिपीट। मैं ऋतु गुप्ता आज बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि सभी मम्मियों की टेंशन होती है बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं, तो उन्हें अगर हम इस तरह से बहुत सी सब्जियां खिला सकते हैं और बहुत ही टेस्टी, जिसे वो बहुत टेस्ट से खाएंगे और शायद वो रोज बनवाएंगे। इसमें हम कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ इसको डीप फ्राई किया है, आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और एयर फ्रायर में भी फ्राई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बाहर से जितना क्रिस्पी है ये स्नैक्स, अंदर से उतना ही सॉफ्ट है। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के आलूओं को अच्छी तरह से धोकर छील लिया है और अब मैं इन्हें इस तरह से काट लूंगी। और आप देख सकते हैं इसकी मोटाई आलूओं की, इस तरह से हमें सभी आलूओं को कट कर लेना है और इसके बाद ही हम इसके आगे का प्रोसीजर करेंगे। सभी आलू को हम काट लेंगे अच्छी तरह से और इसके बाद मैंने ये इस तरह से एक जाली ली है और इसके नीचे एक बर्तन लिया है जिसमें पानी भरा हुआ है। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर का भी यूज कर सकते हैं। करीब 1 से 1.5 ग्लास पानी को यहाँ पर मैंने गर्म कर लिया है और ये आलू उसमें डाल दिए हैं। इसके ऊपर वापस से वही जाली रखी है और मैंने कुछ सब्जियां ली हैं जिन्हें मैं इसके ऊपर स्टीम करूंगी। ये 1 कप फूल गोभी है। इन सब्जियों को हम बॉईल नहीं कर रहे हैं, कोई भी सब्जी हमें इसे स्टीम करनी है जिससे इसमें जो न्यूट्रिशन है वो बना रहेगा। ये फ्रेश मटर ली है। अगर आप इसके लिए फ्रोजन मटर लेते हैं तो उसको स्टीम करने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये गाजर है, 1 गाजर जो कि बारीक काट ली है। इसमें आप कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं, जैसे फ्रेंच बीन्स है, कॉर्न है या पत्ता गोभी है, जो भी आप बच्चों को खिलाना चाहते हैं कोई भी सब्जी इसमें डाल दें। अब ये सभी सब्जियां हम 10 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे और स्टीम हो जाएगी। मतलब इसमें हमें बॉयल सब्जियों का यूज नहीं किया है, इसी तरह से हमें स्टीम करनी है और गैस का फ्लेम मीडियम रख देंगे। मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक हम इन्हें इसी तरह से पका लेंगे, जब तक आलू को हमने 80% तक बॉयल करना है और जो ये सब्जियां हैं ये हमें 50% चाहिए, ताकि इनमें थोड़ा सा क्रंच भी बना रहे और जब खाएंगे तो इसका टेस्ट और फ्लेवर बिल्कुल अलग होगा। ये बच्चों को सब्जियां खिलाने का बिल्कुल एक नया तरीका है। आप इसे बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, किसी गेस्ट के सामने भी इस रेसिपी को सर्व कर सकते हैं। तो 10 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं सब्जियों का कलर चेंज हो गया है। देखिए थोड़ा सा बॉयल हो गई है। इन्हें हमें बहुत ज्यादा नहीं गलाना है, केवल 50% हमें इन सब्जियों को गलाना है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं नीचे से आलू भी चेक कर लेती हूँ जाली उतार कर। इस तरह से एक जाली ले और आलू को उसमें से निकाल लें और 80% आलू भी पक गए हैं। तो अब हम इन्हें एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। इनका पानी निकालते हुए बिल्कुल इन्हें बाहर निकाल लें। आप सोचेंगे कि आलू को बॉयल नहीं किया है, हम इन्हें बॉयल भी करके डाल सकते हैं, लेकिन नहीं, हर चीज का टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। जब ये आलू गर्म हो उसी कंडीशन पर हम इन्हें मैश कर लेंगे और हम इसमें बॉयल आलू नहीं लेंगे कि पहले बॉयल कर लिए और फिर उन्हें इस तरह से मैश कर लिया। जो भी हम चीज बनाते हैं कोई खाने की चीज में, अगर हम थोड़ा सा भी चेंज कर देना तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाता है। तो इसी तरह से आप जब भी बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। अब ये जो सब्जियां हमने हाफ बॉयल की थी, स्टीम की थी, तो इसको हम इसी तरह से डाल देंगे। हमने इन्हें मैश भी नहीं किया है और इन्हें बारीक भी नहीं काटा है। अब इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती ऐड किया है और ये लिया है यहाँ पर 50 ग्राम पनीर। आप इसमें चीज भी यूज कर सकते हैं बच्चों के लिए। मैंने यहाँ पर 50 ग्राम पनीर का यूज किया है। ये है जीरा पाउडर 1 चम्मच। अब कुछ मसाले जो इसमें ऐड कर रहे हैं, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, नमक 1 टेबल स्पून, और आप नमक मिर्च मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1/4 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। कोई भी मसाला आप चेंज कर सकते हैं, अपनी पसंद से डाल सकते हैं, जो भी आपका टेस्ट है। और ये बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पर राइस फ्लार ले रहे हैं और ये हमने 2 टेबल स्पून राइस फ्लार इसमें ऐड किया है और साथ ही लिया है ब्रेड क्रम्स। ये भी बाइंडिंग में हेल्प करता है और इसे बहुत ही क्रंची भी बनाता है। तो इसे हमने 3 टेबल स्पून अभी इसमें ऐड किया है। आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी यूज कर सकते हैं ब्रेड क्रम्स की जगह। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो हम इसे मिक्स करेंगे मिक्सर को सारे को,
इस मिक्सचर को मिक्स हम इस तरह से करेंगे कि सब्जियों को हल्का हल्का हाथ से क्रश करेंगे, बहुत ज्यादा मैश ना हो सब्जियां, बहुत ही हल्का हल्का बस इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो जाए। सब्जियों को बिल्कुल भी क्रश ना करें, क्योंकि इसमें जो एक एक सब्जी है आपको दिखेगी, उसका फ्लेवर आएगा, एक एक सब्जी का टेस्ट आपके मुंह में आएगा जब आप इसे खाएंगे। तो आप देख सकते हैं सारी सब्जियां बिल्कुल अलग अलग हैं, मैंने इस तरह से इसको मिक्स किया था। अब हम इसकी बाइंडिंग चेक कर लेते हैं। तो अभी बाइंडिंग में थोड़ा सा ये मुझे खुला हुआ लग रहा है, थोड़ा लूज है, तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स और ऐड कर लूंगी। आप इसमें इसकी जगह कॉर्नफ्लोर पाउडर या अरारोट भी मिक्स कर सकते हैं। तो फिर से बाइंडिंग चेक कर ले एक बार, तो अब परफेक्ट है। अब इसके आगे का प्रोसेस करते हैं। तो इसकी एक स्लरी तैयार करेंगे और इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून मैदा का यूज किया है और इस मैदा में हल्का सा नमक डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। ये जो हम स्लैरी तैयार कर रहे हैं बहुत पतली भी नहीं होनी चाहिए और बहुत गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए और इसमें लम्स ना हो, इसलिए लगातार इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। और साथ ही अब मैंने लिया है ब्रेड क्रम्स, जिसमें ये बहुत ही क्रिस्पी टेस्ट आएगा। अब वापस से हम अपने सब्जियों के मिक्सचर पे आ जाते हैं और मैं इसमें आपको 2-3 तरह से बनाकर दिखा रही हूँ कि आप किस किस तरह से इसमें शेप दे सकते हैं ताकि बच्चों को ये अट्रैक्टिव लगे, या आप जैसे भी आपको इजी लगे आप तैयार कर सकते हैं। आप इस तरह से थोड़ा सा मिक्सचर लें और इस तरह से आप कटलेट की शेप भी दे सकते हैं, या फिर आप इसे इस तरह से स्क्वायर शेप में नगेट भी बना सकते हैं। जो भी बच्चों को पसंद हो या आपको इजी हो, आप कोई भी स्टाइल इसमें दे सकते हैं। इसमें बहुत सारे तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हैं, या फिर आप इसे इस तरह से रोल करके इसमें फिंगर की शेप भी दे सकते हैं, वेजिटेबल फिंगर भी आप इसे कह सकते हैं। और कोई भी सब्जी आप इसमें डाल सकते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आएगी और बच्चों को एक हेल्दी वजन भी मिल जाएगा। तो मैं इसमें कुछ अलग ही तैयार कर रही हूँ, कुछ इनोवेटिव सा जो बच्चों को पसंद आएगा। तो इस तरह मैंने चकले पर थोड़ा सा घी लगाया है और हाथ में बहुत सारा बैटर लिया है। इस मिक्सचर को बहुत ही एक बड़ा बो जैसे बड़ी बॉल होती है इस तरह से, और जैसे हम चपाती तैयार करते हैं इस तरह से हम इसे हाथ से हल्का हल्का फैला लेंगे। और चकले पर ऑयल लगाया है जिससे ये चिपकेगा नहीं, अगर हाथ पे चिपक रहा है तो आप इसे इसमें भी हाथ पर भी ऑयल लगा सकते हैं। आप इसे देख सकते हैं इसकी मोटाई, और मैंने यहाँ पर कुकी कटर लिए हैं। कुकी कटर से मैं इसमें कुछ डिफरेंट शेप डालूंगी जिससे बच्चों को ये बहुत पसंद आती है और बहुत ही झटपट बच्चे इसे खा लेते हैं। तो आप इसमें कोई भी बॉटल कैप से भी आप इसे यूज कर सकते हैं, या कुकी कटर है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, या आपको जैसे मैंने पहले बताया था उस तरह भी आप ये नगेट्स तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने जब कुकी कटर से इसे किया है तो साइड वाला जो पोर्शन है वो हम हटाकर वापस से इसे यूज कर लेंगे और इस तरह से इसकी शेप्स तैयार कर लेंगे। देखिए कितनी सुंदर फ्लावर वाली शेप आई है, कितना सुंदर लग रहा है ये फ्लावर। तो इसी तरह से आप बना सकते हैं वेजिटेबल नगेट्स जो बच्चों को बहुत पसंद आएंगे, और बच्चों को इस तरह से हम कोई भी सब्जी खिला सकते हैं और वो बहुत टेस्ट से इसे खा लेंगे। तो इस तरह से सभी नगेट्स तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने कुछ नगेट्स तैयार किए हैं और अब मैं जो स्लैरी तैयार की थी मैदा से उसको ले लूंगी और इसमें इसे डिप कर लेंगे एक बारी। फिर इसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से कोट कर लेंगे, इससे ये जब हम फ्राई करेंगे तो ये खुलेगी भी नहीं और अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी। अगर आप इसे शैलो फ्राई कर रहे हैं तो इसे ब्रेड क्रम्स में बिना डाले भी आप शैलो फ्राई कर सकते हैं, फिर आपको इसमें ये स्लैरी बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी तरह से प्लेन भी इसको शैलो फ्राई कर सकते हैं, लेकिन फ्राई करने के लिए हमें मैदा की स्लैरी बनानी पड़ेगी और उसमें ब्रेड क्रम्स में इस तरह से कोट करने होंगे। तो आप कोई भी ऑप्शन इसमें यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे लग रहे हैं, किस तरह से ये मैंने ब्रेड क्रम्स में कोट कर लिए हैं जिससे ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे। अगर आप बच्चों को टिफिन में देना चाहते हैं तो आप इन्हें रात में बनाकर फ्रिज में रख दें और सुबह में उन्हें डीप फ्राई करके दें या फिर फ्राई करके दें।
अगर आप इन्हें फ्राई नहीं करना चाहते तो आप मैदा का घोल ना बनाएं और इन्हें सब्जियों को बस इस तरह शेप दें और इन्हें शैलो फ्राई कर लें। तो मैं डीप फ्राई कर रही हूँ, इसके लिए मैंने ऑयल को मीडियम गर्म रखा है और इसमें धीरे एक एक करके हम ऑयल में छोड़ देंगे और उसके बाद हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे ताकि थोड़ा सा लो फ्लेम पर ये अच्छे से क्रिस्प होने तक सिक जाएंगे। बच्चों को सब्जियां खिलाने का ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप शाम की चाय हो या फिर गेस्ट आए तब भी आप इन्हें सर्व कर सकते हैं और सर्दियों का मौसम है, बहुत सारी सब्जियां आती हैं। कोई भी ऐसी सब्जी जो बच्चे खाना पसंद नहीं करते उन्हें आप इस तरह से खिला सकते हैं और जब ये एक तरफ से सिक जाएंगे तो आप इन्हें पलट लें और गैस का फ्लेम मीडियम से लो ही रखेंगे। गोल्डन होने तक इन्हें फ्राई करें। आप देख सकते हैं कितने अच्छे फ्लावर शेप के नगेट्स तैयार हो गए हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि मेरी ये नई रेसिपी आपको कैसी लगी। तो आप देख सकते हैं ये फ्लावर शेप के नगेट्स मैंने तैयार कर लिए हैं जो बाहर से बहुत ही क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। मैं आपको यहाँ पर खोलकर दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं एक एक सब्जी आपको इसमें दिखाई दे रही होगी और जब खाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा, एक एक सब्जी का क्रंच, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर और कमेंट जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखकर बताएं। तो फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।